अपने साथ आ चुकी है एक ब्लैक ब्यूटी। मतलब इंडिया में इसके मुकाबले की कोई बाइक नहीं है। तो भाई आज हम करने वाले हैं बुलेट का रिव्यू, और अपनी पैंथर भी खड़ी है और ये भी अपनी ब्लैक ब्यूटी में ऐड हो चुकी है। मतलब इस बाइक की रीज नहीं कर सकते इंडिया में कहीं पे भी, इतना तगड़ा टोर है ना इस बाइक का। तो भाई इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएंगे हम आपको, तो भाई व्लॉग को पूरा देखना। तो भाई ये है इसके ओनर हेमंत अहलावत। तो हाँ भाई, बाइक चला के कैसा लगता है, कैसी फील आती है जोटे वाली? तो भाई जोटे की बताएं। तो भाई ये भी है पापा ओक्का। पापा किसका चाल रहा ओक्का? बढ़िया। बढ़िया। पापा और कल संडे राइड आने वाली है, कहाँ के आने वाली है? रावली हिल्स है ना। तो भाई एमआई का फोन पड़ा है, और यार हमारी मम्मी जो इट्स मी लड्डी गोपाल के नाम से है, भाई राम राम जी, कैसे हो आप सब? और मम्मी बात कर लेते हैं इस ब्लैक ब्यूटी के रिव्यू के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आपको ये बाइक करनी चाहिए नहीं भाई, देखो इंडिया में इसका इतना टोरा है, 1 साल की आपको वेटिंग करनी पड़ती है इसकी। मतलब अब जो नए मॉडल आए हैं उनमें कह रहे हैं कि भाई ये दिक्कत है फलानी दिक्कत, तो उसके बारे में आपको बात कर लेते हैं। इसके लुक्स की जो हमें ये लुक्स देती है बाइक 2 लाख के अंडर, मतलब भाई क्लासिक लुक आती है, जैसे देसी मानस हरियाणा वाले अपन ये चलाते हैं। इस पर लिखा हुआ है इफ़ यू एट फूड फार्म, और भाई इसमें रूट्स लगे हुए हैं, उनकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको। तो भाई पटाखे भी बजते इसमें, नॉर्मल सेंसर लगा के, पर जब भी पटाखे बजते हैं क्योंकि सेंसर हमने हटा रखा है इस बाइक का। और भाई ने यहाँ पे जाट भी लिखवा रखा है। और भाई अब इसकी बात करते हैं एडवांटेज की, मतलब कि भाई ये पानियों में और जहाँ पे खेतों में बिल्कुल ऐसे चलती है जैसे झोटा चल रहा हो इसको। मतलब हरियाणा में ना कई लोग ट्रॉली भी जोड़ लेते हैं इसमें छोटे वाली आरा चारा लाने ही। तो भाई यारी कुछ इसके पीछे का लुक। तो भाई आप ये बताना कि मैं हरियाणी में व्लॉग बनाऊँ या मतलब नॉर्मली भाषा में बनाऊँ? तो भाई इसमें आपको मिलता है 2 रेड लाइट, इन आँख इसकी रेड लाइट है, रेड लाइट मतलब रेड है। और भाई इसमें हेलोजन बल्ब है, एलईडी बल्ब नहीं है। और भाई बात कर लेते इसके एडवांटेज की, भाई इस पे ना कितने जने बिठा देते, ये बाइक कहीं पे रुकेगी नहीं, पानी में वगैरह में सारी जगह चलेगी ये बाइक, हर जगह दौड़ेगी ये बाइक, कहीं पे नहीं रुकेगी ये बाइक, किचड़ हो चाहे पानी चाहे बाढ़ आदि हो उड़ता लेगी ये बाइक। और भाई ये तो पानी में ले जाने का मन नहीं करता इसको। और भाई अब एडवांटेज की बात कर लेते भाई इसका इंजन, भाई जो इंजन है बहुत तगड़ा देती है, 350 cc में, इतनी भागती नहीं है पर भाई तगड़ी माइलेज भी निकालती। कई भाई सोचते माइलेज नहीं निकालती, पर वही बात है, एक पटाखा पड़ता है 170 ग्राम तेल का। तो भाई अब इसमें जो नई बुलेट है इसमें ABS में मिले आपको, जो ABS है अच्छे हैं इसके, बाइक रुक जाती है। पर इसकी मेनली जो प्रॉब्लम है वो है इसके ब्रेक, मतलब टाइम पे रुकती नहीं है और ये टाइम पे रुक जाती है, और ये वाली नहीं रुकती है टाइम पे। अगर आप स्पीड में हो तो आप उसमें घूम ही जाओगे जहाँ पे घूमने जा रहे हो आप। भाई ये है इसके ओनर। तो भाई क्लिच प्लेट कितने की आती है इसकी? भाई अभी तक बदलवाई नहीं है। मतलब पूरी केयर रखते हो बाइक की? हाँ अभी तो कुछ भी चेंज नहीं करा है, साइलेंसर चेंज करवाया था उल्टा वही लगवा लिया, क्योंकि इस पर चलान हुआ था कितने का हुआ था? 10,000 का चलान हुआ था। तो भाई 10,000 का चलान होने के बाद इनने अपनी वो करवाई है, नॉर्मल सेंसर डलवाया। पर मैंने आपको बताई थी इसमें जब भी बम फट जाते हैं क्योंकि इसमें सेंसर नहीं लगा हुआ है। तो भाई इसके आपको इंडिकेटर भी हेलोजन्स मिलते हैं, और भाई क्या ही एडवांटेज, तो इसमें देश बिना की बरबर की पड़ी है, मतलब कहीं पे भी गेड़ी मारने से लड़िया फैन हो जाती है। आप इसको शहर में लेकर चले जाओ ना, इसका सेंसर सिलेंसर वगैरह चेंज है, तो एक पटाखा पार दिया तो भाई लड़कियों के ऐसे रिएक्शन आएंगे। आप ये बताना इस पर रिएक्शन वीडियो लानी है, इस पर ला देंगे हम, टेंशन मतलब दूसरी बुलेट लेके किसी की उसका सिलेंसर जिसमें पटाखे वाला हो उसकी भी ला देंगे भाई, शहर में ला देंगे, अब गांव में कहो बाजार में कहो उसकी ला देंगे। तो इसकी डिसएडवांटेज की बात कर देते हैं भाई, देखो इसमें इतना बड़ा इंजन दे रखा है रॉयल इनफील्ड ने, पर इसमें भाई कहीं पे कूलेंट वगैरह का कुछ नहीं है इसमें,
मतलब हीट हो जाते हैं इंजन, कई आई इंजन फट गई, मतलब वो तो उनकी लापरवाही होती है, बम फाड़ देते हैं भाई, बम फाड़ फाड़ के इसको लाल कर देते हैं। अभी भी ये गर्म है, मैं इसको चला के आया था, एक बुलेट हुई अभी बाहर से, वो सिलेंसर वाली है। तो भाई अब और क्या ही बात करें इस बाइक के बारे में, ब्रेक वगैरह की प्रॉब्लम है इसमें, और भाई इस बाइक में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई आपको ये मिलती है 2 लाख CC, 2 लाख रुपये में मिलती है, और CC की मिलती है आपको 350, और भाई इसकी टॉप स्पीड आपको 150 140 के आसपास मिल जाएगी। पर मतलब भाई वही बात है, ये टाइम पे रुकती नहीं है। तो भाई आप इस बाइक को अगर ले रहे हो तो भाई इसको मंदा चलाओ। तो भाई ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। तो भाई इसके बारे में मेरे को इतना कुछ पता नहीं था, डिटेल्स नहीं थी, पर भाई बाइक है ये जेन्युइन द ब्लैक ब्यूटी, और अपनी रेड ब्यूटी रही, और वो रहा रॉकी ब्लैक ब्यूटी, और ये वाइट ब्यूटी ब्रोनो। तो भाई अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, देखो यार मेरे को इतना पता नहीं था, व्लॉग इतना लंबा नहीं चल पाया होगा, पर भाई अगर आप इस बाइक को ले रहे हो ना तो भाई लो, इसकी वजह आप इसको ले। अगर आपको गांव में चलानी है, अगर भाई हाईवे पे दौड़वानी है, तो अपनी ये नार लाल यमराज रेड पैंथर। तो भाई व्लॉग को अगर आपने एंड तक देखा, अगर आप मेरी ये बातें सुन रहे हो, तो भाई इसको ना लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, और कल आने वाली है राज व्हील्स की वीडियो व्लॉग आने वाला है संडे राइड पे, जिसमें BMW MT R15 बहुत सारी बाइक होंगी अपने साथ, और अपनी रेड ब्यूटी भी होगी, और हम ब्लैक ब्यूटी को भी जल्दी जोड़ लेंगे, ये भाई फ्री नहीं है, वरना ये भी राइड पे चल पड़े। तो भाई चैनल को करो सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब भी मत करो, बस भाई वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी, जय आप बाकी जय हिंदू।